हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 चम्मच तेल का ऐसा अनोखा नाश्ता लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, इस नाश्ते का नाम आपको सजेस्ट करना है कि क्या होना चाहिए। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस हेल्दी और चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल को, ये मूंग की दाल है, इसे मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था क्योंकि सुबह मुझे इसका नाश्ता बनाना था। और ये 1 कप मूंग की दाल है और भीगने के बाद ये अपने सही से डबल हो चुकी है। हमने इसे 2 से 3 बार धोकर भिगोया था और अब हम इसका पानी पूरा फेंक देंगे और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम 3 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल स्मूथ होने तक हमें ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और यहाँ पर मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसका बैटर ना ही आपको ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बिल्कुल ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हमारे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही इसमें डालेंगे खटाई के लिए 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड। आप यहाँ पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 1 नींबू आपको इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी डालेंगे हम हींग, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही डालेंगे 1/2 टेबल स्पून शक्कर, शुगर। अब हमें इसे फेंटना है। अब यहाँ पर इस नाश्ते को ज़्यादा स्पॉन्जी, ज़्यादा जालीदार और अच्छा बनाने के लिए आपको ये स्टेप स्किप नहीं करना है। आपको इसे फटाफट फेंटते रहना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आप बेसन का ढोकला या फिर मूंग दाल का ढोकला बनाते हैं तो उसे आपको इसी तरीके से फेंटना है। इससे इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जो प्रोटीन है उसका, उसके अंदर जो एरिएशन है वो बहुत अच्छे से होती है। और ये जो बैटर है इसका कलर देखिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और दाल जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, और इससे ही आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं और तब तक इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम जीरा। इन दोनों को हमें अच्छे से चटकने देना है। इसके बाद डालेंगे हम करी पत्ता, लगभग 7 से 8 पत्ते हमें इसमें डालने हैं, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज जिसे हमने बारीक काटा है। देखिए फाइन चॉप करके ही प्याज डालें क्योंकि तेल हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। अब ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पीनट्स। यहाँ पर मैंने फली के दाने भून कर थोड़ा सा क्रश कर लिया है और इसके बाद ऐड किया है। इसका टेस्ट इस स्टफिंग में बहुत अच्छा आता है, साथ ही नाश्ता थोड़ा और हेल्दी बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिए हैं उबले हुए, मैश करके ऐड किया है। साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक और थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका कलर, मतलब स्टफिंग को अच्छा कलरफुल बनाने के लिए इसमें हमने चिली, रेड चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इससे स्टफिंग थोड़ी चटपटी और मज़ेदार बनेगी। सच में ये जो स्टफिंग है बहुत जल्दी बनती है लेकिन टेस्ट में बहुत ही गजब की लगती है। तो देखिए टमाटो केचप डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, और जैसे ये ठंडा होगा हमें इसके बॉल बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने नींबू के साइज़ के बॉल बनाए हैं, आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से बॉल बनाकर हमें एक साइड तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर हमने कटोरी ले ली है क्योंकि हम नाश्ता कटोरी में ही बना रहे हैं। तो कटोरी के अंदर हमने तेल डाल दिया है और इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि नाश्ता इजीली डीमोल्ड हो जाए, इस कटोरी से निकल कर आए। और इसी तरीके से हमने एक स्टीमर की प्लेट भी ले ली है, उसे भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब जो हमारा बैटर है वो देखिए, उसके अंदर हमें डालना है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून
और बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। अगर आपके पास इनो है तो आप इसमें एक सैशे इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें इसे एक ही डायरेक्शन से मिक्स करते हुए इसे मिलाना है। देखिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर हमें इसे बाहर नहीं रखना है, फटाफट हमें इसे स्टीम करने के लिए डालना है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब जैसे जैसे ये मिक्स हो रहा है आप देख सकते हैं कि बैटर कितना फूल चुका है, इसका वॉल्यूम 3 गुना बढ़ चुका है और आप इसका कलर भी देखिए लाइट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफी हो चुका है दोस्तों। और इसे हमें अब फटाफट कटोरी में डालना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2-2 चम्मच ही बैटर इसके अंदर डालना है और आधा बैटर डालने के बाद मीन्स कटोरी में 2 चम्मच बैटर डालने के बाद बीच में हम डालेंगे ये आलू की स्टफिंग वाला बॉल और फिर से हमें इसे बैटर से कवर करना है। और इसी तरीके से हमें सारी कटोरियाँ कवर कर लेनी है, मतलब भर लेनी है, और इसे भरने के बाद हमें फटाफट स्टीम करने के लिए डालना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया था और इसी में ही हम ये कटोरी को अरेंज करके 15 मिनट के लिए इसे फुल आंच पर हम स्टीम होने रख देंगे। साथ ही जो स्टीमर वाली प्लेट थी उसमें भी जो बचा हुआ बैटर है वो भी डाल देंगे और अब हमें इसे स्टीम करने के लिए स्टीमर में डालना है। तो यहाँ पर इसे भी हम लगभग 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट तक हमें इसे अच्छे से स्टीम करना है। देखिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है और देखिए जैसे हम इसे चेक कर रहे हैं तो स्टिक बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब हमारा नाश्ता बन चुका है। और जो स्टीमर वाली प्लेट है देखिए इसके ऊपर भी मैंने कटोरी अरेंज की थी क्योंकि कढ़ाई में सारी कटोरियाँ नहीं आ रही थी और इसके नीचे मैंने ये प्लेट भी रखी थी। तो दोनों हमारे नाश्ते पक चुके हैं, ये देखिए हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़का पैन में मैंने फिर से 1 चम्मच तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म होगा डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम जीरा, इसे भी हमें अच्छे से चटकने देना है। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, सॉरी हरी मिर्च, लगभग 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। अच्छा स्पाइसी चटपटा नाश्ता बना रहे हैं तभी नाश्ता ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब डालेंगे हम इसमें करी पत्ता, तड़का है तो करी पत्ता तो जाएगा ही, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने का मकसद यही है कि नाश्ता जो है वो अंदर तक खट्टा मीठा टेस्टी लगेगा। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा डालेंगे नमक और फिर से थोड़ी सी डालेंगे हम सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर अगर आपके पास सिट्रिक या टार्ट्रिक नहीं है तो आप यहाँ पर भी नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और एक उबाल आने के बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और ये हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए जो कटोरी वाला ढोकला जो नाश्ता है वो भी ठंडा हो चुका है, उसे हमें हाथों से ही लूज करना है और फिर इसे निकालना है। बहुत आसानी से ये निकल आता है और आप देख सकते हैं जो नाश्ते का स्पंज है वो आपको दिखाई दे रहा है कितने सॉफ्ट ये बने हैं। और इसके ऊपर हमें ये खट्टा मीठा तड़के वाला पानी डाल देना है जिससे इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों ये नाश्ता आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। और जो स्टीमर वाली प्लेट थी उसका जो नाश्ता है उसे भी हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। इसे हम मूंग दाल का ढोकला भी कह सकते हैं और इसका भी स्पॉन्ज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों इसका नाम आपको सजेस्ट करना है, जो हमने आलू वाला जो ढोकला बनाया है उसे हमें क्या नाम देना चाहिए ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इस नाम के लिए मतलब आप जो भी नाम सजेस्ट करेंगे हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। और देखिए अब हम इसे कट करके भी आपको दिखा रहे हैं, कट करने के बाद अंदर से कितना सुंदर दिखता है, खाने में तो ये बढ़िया है ही साथ ही देखने में भी लाजवाब है। और आज की ये रेसिपी आप जल्दी से घर पर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी।
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।